गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप सब कार्टून देखते हो ना? टीवी पे कार्टून देखते हो ना? और सबको कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है ना? तो आज हम कार्टून्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? नाउ ओपन योर जीके बुक पेज नंबर 21। देखिए इसमें आपको बहुत सारे कार्टून्स दिख रहे हैं, है ना, जो कि आप देखते हैं। तो आज हम कार्टून्स के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है? क्या लिखा है ये? कार्टून्स वी वॉच, जो कार्टून हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आपको कौन दिख रहा है? स्पाइडरमैन। इसको सब लोग जानते हैं ना, स्पाइडरमैन। ये बहुत बहादुर होता है और ये सबकी हमेशा मदद करता है, सबकी हमेशा सुरक्षा करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और दीवारों पे चढ़कर जल्दी से इधर से उधर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डोरेमोन, ये सबको बहुत अच्छा लगता है ना, डोरेमोन बहुत पसंद है ना सबको। ये कौन है? ये एक प्रकार की बिल्ली है जो कि नीले रंग की होती है। इसका जो फ्रेंड है, इसके फ्रेंड का नाम क्या है? नोबिता। सबको पता है ना इसके फ्रेंड का नाम क्या है? नोबिता। इसके पेट में देखिए एक प्रकार का जेब होता है जो इसमें ये अपने हर सामान को रखता है। फिर नेक्स्ट देखिए डोनाल्ड डक। कौन है ये? डोनाल्ड डक। ये भी बहुत अच्छा कार्टून कैरेक्टर है, बहुत प्यारा कार्टून है। ये तोतली भाषा में बात करता है और हमेशा अच्छे काम करना चाहता है, लेकिन इसके काम हमेशा बिगड़ जाते हैं, लेकिन ये कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। इसलिए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना? अगर हमारा कोई काम नहीं होता है तो हमें उसे दोबारा करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि डोनाल्ड डक करता है। फिर नेक्स्ट है बेंटन। बेंटन भी आप सब देखते हो ना, बेंटन एक 10 साल का लड़का है ना। क्या करता है? इसके पास एक वॉच होती है, एक प्रकार की वॉच होती है। ये देखिए इसके हैंड पे दिख रही ना सबको, ये क्या करता है? इस वॉच से किसी भी काम को आसान तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट देखिए मिक्की माउस। ये भी बहुत प्यारा कार्टून है। ये मिक्की माउस क्या है? एक प्रकार का चूहा है। माउस लिखा है ना, मिक्की माउस, ये एक प्रकार का चूहा है। ये रेड कलर का शॉर्ट्स पहनता है देखिए, और नीचे ये क्या दिख रहे हैं? शूज़, येलो कलर के शूज़ बड़े बड़े से पहनता है, और ये हैंड पे वाइट कलर के ग्लव्स पहनता है, और इसकी जो नोज़ है और ईयर, ये दोनों बड़े बड़े से होते हैं। इसके फ्रेंड का नाम क्या है? इसके फ्रेंड का नाम मिनी माउस है। इसको नाचने गाने बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट देखिए ये कौन दिख रहा है? पोकेमॉन। ये पोकेमॉन कौन है? ये आप सबको पता है ना पोकेमॉन कौन है, और बहुत सारे बच्चे पोकेमॉन को देखते हैं, उनको पोकेमॉन कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना बच्चों आप सबको पोकेमॉन कार्टून देखना? ये येलो कलर का होता है, इसको ये येलो कलर का होता है ना, और इसकी जो आपको ईयर्स दिख रहे होंगे यहाँ ऊपर साइड, इसमें ब्लैक ब्लैक होता है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है ना। अब नेक्स्ट देखिए सिंचन। ये कौन है? सिंचन बहुत सारे बच्चे देखते हैं। सिंचन ये 5 साल का एक बच्चा है, बहुत शैतानी करता है ना, लेकिन आप सबको शैतानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, पर आप लोग शैतानी नहीं करेंगे। 5 साल का बच्चा है और इसको एक्शन शो देखना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसको कैप्सिकम खाना बिल्कुल पसंद नहीं। कैप्सिकम क्या होता है? शिमला मिर्च। इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेकिन इसको खाना क्या पसंद है आपको पता है? चोको चिप्स खाता है ये। क्या खाता है? ये चोको चिप्स खाता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा कार्टून है? छोटा भीम। ये तो बहुत अच्छा कार्टून है ना बच्चों। ये छोटा भीम कौन है? छोटा सा लड़का है जो कि ढोलकपुर गांव में रहता है ना, और ये बहुत ही अच्छा बच्चा और बुद्धिमान होता है। और इसके दोस्तों का नाम क्या है आप सबको पता है ना? इसके कौन कौन से दोस्त हैं एक बार मैं बता देती हूँ। इसके दोस्तों का नाम क्या क्या है? राजू, जग्गू, छुटकी, कालिया, ढोलू और मोलू इसके दोस्त हैं, और इसको लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है ना। अब नेक्स्ट देखिए सुपरमैन। कौन है ये? सुपरमैन।
ये भी बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है और सबकी हमेशा मदद करता रहता है, सबकी सुरक्षा करता रहता है ना, और किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी आप सब देखते हो ना, टॉम एंड जेरी, टॉम कौन है, बिल्ली एक प्रकार की, और जेरी चूहा। ये हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं और एक दूसरे को हमेशा परेशान करते रहते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, ये कुछ कार्टून्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये जो कार्टून्स हैं इनको एक बार आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। आप सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।